जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी 10th जनरेशन या फिर 11th जनरेशन या फिर 8th 7th जनरेशन को हम अब उससे ऊपर वाली जनरेशन में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं या फिर उसे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है द बेस्ट जी ने। उन्होंने पूछा है, हेलो सर, कैन बी अपग्रेड टू 12th जनरेशन दिस लैपटॉप। तो बेसिकली उसी का मैं आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पर्टिकुलर मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर जैसे कि हार्डवेयर डेस्कटॉप होता है, तो बेसिकली डेस्कटॉप के अंदर आप अपग्रेड कर सकते हो। जैसे 10th जनरेशन का आपके पास प्रोसेसर है तो उसे 12th जनरेशन का प्रोसेसर बाय करके उसे अपग्रेड कर सकते हो। बेसिकली ये जो है जनरेशन, ये पहले मैं जनरेशन आपको बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जनरेशन बेसिकली होता ये है कि वो कोई प्रोसेसर होता है, सपोज़ दैट जैसे कि 10th जनरेशन और 11th जनरेशन की यदि हम बात करें, तो जैसे 10th जनरेशन है उसके अंदर क्या है कि क्लॉक स्पीड मान लीजिए 3.0 की मिल रही है, और उसकी जो ट्रांजिस्टर साइज है, जैसे कि जो प्रोसेसर होता है वो लाखों ट्रांजिस्टर से मिलके मिलता है, बनता है वो, तो जो ट्रांजिस्टर साइज होता है वो छोटा होता चला जाता है। जितना छोटा होगा ट्रांजिस्टर साइज, उतना ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम कंज्यूम करेगा, परफॉर्मेंस अच्छी देगा, और उसके अलावा कैशे मेमोरी भी बढ़ जाती है। तो जनरेशन यदि अपग्रेड होती है, अब जैसे 10 है, 10 का ये हो गया, 11 अगर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसका ट्रांजिस्टर का साइज़ और छोटा हो जाएगा। सपोज दैट 8 नैनोमीटर है 10th जनरेशन का, तो 11 का अगर अपग्रेड हुआ है तो वो हो जाएगा 8th जनरेशन का, 7 नैनोमीटर का हो जाएगा। तो क्या होता है कि वो बेसिकली हार्डवेयर अपग्रेड होता है, ना कि उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर या कोई और चीज़ अपग्रेड होती है, सिर्फ हार्डवेयर अपडेट होता है वो। जनरेशन का मतलब हार्डवेयर अपग्रेड होना, जैसे कि प्रोसेसर के अंदर कैशे मेमोरी अपग्रेड कर देना, जैसे 2 MB कैशे है तो वो 4 MB हो जाएगा, 6 MB हो जाएगा, 8 MB हो जाएगा, तो वो अपग्रेड हो गया। इसके अलावा कैशे मेमोरी के अलावा ट्रांजिस्टर साइज छोटा हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आपको कम कंज्यूम होता है, और इसके अलावा क्लॉक स्पीड जो होती है वो और बढ़ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इन्हेंस हो जाती हैं प्रोसेसर के अंदर, तब जाके वो एक जनरेशन में कन्वर्ट होता है, मतलब उसे एक जनरेशन का नाम दिया जाता है। सॉफ्टवेयर में बेसिकली अपग्रेडेशन क्या होता है, वो सभी के लिए होता है ऑलमोस्ट। सपोज दैट मेरा अभी मैं अगर लैपटॉप की बात करूँ, मैं विंडो सेवन चला रहा हूँ, तो मैं विंडो सेवन की जगह मैं 8 कर सकता हूँ और 10 कर सकता हूँ, और ये जो लेटेस्ट 11 है 11 कर सकता हूँ, तो मैं इजीली उसको अपग्रेड कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। या कोई सॉफ्टवेयर है मान लीजिए 7.2 उसका अपग्रेड है, तो उसका अपग्रेड, नेक्स्ट अपग्रेड अगर कंपनी देगी उसका, तो वो नेक्स्ट अपग्रेड आपको भी मिल जाएगा। अगर आपका हार्डवेयर उसको सपोर्ट करता है तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इजीली उसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली कि 11th जनरेशन को 10th 12th जनरेशन में हम कैसे अपग्रेड करें, बेसिकली हार्डवेयर अपग्रेड होगा। हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए कि आपका प्रोसेसर ही चेंज होगा, और यदि प्रोसेसर चेंज होगा तो सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ऑलमोस्ट आपको पूरा लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको 12th जनरेशन आपको मिल पाएगा, 11 से 12 मिलेगा। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कभी भी जनरेशन को आप खुद से अपग्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए दो ही विकल्प हैं कि या तो प्रोसेसर चेंज करो, उसका अंदर से हार्डवेयर चेंज कराओ। हार्डवेयर चेंज करने के लिए बेसिकली बहुत अच्छा इंजीनियर चाहिए या फिर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा चाहिए, वो इसको अपग्रेड कर सकता है। क्योंकि सिर्फ प्रोसेसर अपग्रेड करने, सपोज दैट 11th जनरेशन का मेरे पास प्रोसेसर है, मैंने 12th जनरेशन का प्रोसेसर लगा दिया उसके अंदर, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 12th जनरेशन में मिलेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर रैम भी वैसे ही होनी चाहिए, उतनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, मदरबोर्ड भी सपोर्टिव होना चाहिए, मदरबोर्ड अपग्रेडेड होना चाहिए, उसके अलावा पावर सप्लाई कम या ज़्यादा होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग,
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके अगर हम किसी को कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, रैम या प्रोसेसर या फिर मदरबोर्ड कुछ भी चेंज करते हैं हार्डवेयर में, तो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तभी तो मैं सारे लोगों को बोलता हूँ असेंबल वाला जो भी होता है वो एक अच्छे टेक्निकल बंदे से अपग्रेड कराना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर यही है कि कभी भी किसी भी हार्डवेयर को लैपटॉप के अंदर अपग्रेड करना मुश्किल होता है। यदि आप उसको किसी भी हार्डवेयर को अपग्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मिल जाए। क्योंकि कई बार मेरे सामने आया है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि रैम अपग्रेड कर दीजिए, जैसे कि 8 GB रैम है और उन्होंने बोला कि 12 कर दीजिए, ऐसे ऊपर कर दीजिए। तो लोग ये गलतियाँ करते हैं बाहर लोकल मार्केट में, वो लोग गलत फ्रीक्वेंसी की रैम अपग्रेड कर देते हैं या फिर उससे ज़्यादा कर देते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो उसकी परफॉर्मेंस कभी नहीं आती। वो शो कर देगा 16 GB, 20 22 GB, जितनी भी रैम अपग्रेड कराओगे वो दिखा देगा, शो कर देगा, बट आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी हार्डवेयर अपग्रेड करना मुश्किल होता है लैपटॉप के अंदर। और दूसरी बात ये, अगर करना भी है तो प्रोफेशनल से कराओ। और जो अब जैसे कि आपने बात करी जनरेशन की, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, जनरेशन को अपग्रेड आप नहीं कर सकते खुद से। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि हम अपग्रेड कर सकते हैं, ये हार्डवेयर है, और हार्डवेयर को अपग्रेड करना मुश्किल होता है किसी भी एक बॉडी चेसिस के अंदर। ओके, मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से कोशिश करी है बताने के लिए, समझाने के लिए। तो यदि कोई भी फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मैसेज या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, द बेस्ट चीज़।